That's a dry spot. That's a tear meniscus. That is mucal thread containing the liquid moving the downward. This is the rolling of the mucus layer of contact minuted with the liquid. This is a tear meniscus. This part is a superficial lipid layer, the banging of the compress between the approximately lid. ठीक, यहाँ पर ये चीज़ डिपिक्ट किया गया है. अब देखो ये है, यहाँ से ध्यान से देखने का प्रयास किया जाए तो इसमें यार क्या बताया जाए. फ्री म्यूकस स्टैंडर्ड इन द एक्वस लेयर. एक्वस मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है. और ये है तुम्हारा एक्वाइड ग्लाइकोप्रोटीन और ये तुम्हारी है मैक्रोविलाई. ये है म्यूसिन लेयर जो है 0.05 माइक्रोमीटर, ठीक है. और ये है तुम्हारा कॉर्नियल एपिथेलियम जो है 60 माइक्रोमीटर, जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. ये इस मेम्ब्रेन स्पैनिंग म्यूसिन और जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है क्लीवेज मेम्ब्रेन स्पैनिंग म्यूसिन और जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है जेल मॉर्फिन म्यूसिन. जो ये स्ट्रक्चर है ये है लाइसोजाइम. लाइसोजाइम अब देखो ये है तुम्हारा टीयर फिल्म. अब टीयर फिल्म को ये स्पेंड किया गया है, ठीक है. स्पेंड करने के बाद इसके जो अपर मतलब स्पेंडिंग पार्ट है वो है ग्लाइकोकैलिप्स आर प्रोड्यूस बाय दी कॉर्नियल एपिथेलियम. मतलब कॉर्निया का जो तुम्हारा आँख है जो वहाँ पर काला वाला भाग है उसके अपर पार्ट के एकदम आउटर मोस्ट पार्ट को कहते हैं कॉर्नियल एपिथेलियम सरफेस सेल, ठीक. उसके बाद है ग्लाइकोकैलिप्स फिल्ड इन द ब्लाइंड म्यूसिन ऑन टू द कॉर्नियल सरफेस ठीक. अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा टॉपिक, ये देखो दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. देखो इसमें जानोगे तुम क्या जानोगे इसमें, ये तुम्हारी आई है अब फंडस. फंडस का जो डायमीटर लेंथ दे रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड तो नहीं बट एक मतलब मेजरमेंट के आधार पर 3 से 5 mm तक होता है अकॉर्डिंग टू एज वेरी होता है. अब तुम्हारी बॉडी जो है वो है 10 mm, मिडल बॉडी तुम्हारी 10 mm है. अब इंफ्रासेसॉइड पार्ट जो होता है वो है 12.5 mm, जबकि मीडियल पार्ट कितना होता है वो है 5.5 mm.
ठीक। अब देखो इसका वर्टिकल पार्ट कितना है, वर्टिकल पार्ट कितना है भाई कैनेकुलस का, जो आएगा कॉर्नल पार्ट है जो नेजल साइड में है उसका वर्टिकल पार्ट है 2 mm, और हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है 8 mm। ठीक है, ये डायमेंशन दिया गया है लैक्रिमिनल स्पेक्ट्रल सिस्टम का, ठीक, और इन्फीरियर पार्ट इन्फीरियर मिलीमीटर सर। अब देखो देखो ये है तुम्हारा नासोलैक्रिमिनल डक्ट इधर साइड में, अब इधर देखो ये है तुम्हारा इन्फीरियर कोर्ची, और ये है तुम्हारा लैक्रिमिनल सैक जो नाक का रास्ता है, और तुम्हारा इस वाले पार्ट को कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं लैक्रिमिनल सुपीरियर कैनिकुलस। ठीक, और आई के इस पार्ट को कहते हैं सुपीरियर लैक्रिमिनल पंक्टम, और अपर पार्ट को कहते हैं सुपीरियर फोर्निक्स। दिस इज अ लैक्रिमिनल ग्लैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टी के फॉर्मेशन, और दैट इज एक्सक्रेटरी डक्ट भी कहते हैं, और इधर साइड में है तुम्हारा लैटरलम लैक, और ये है तुम्हारा इन्फेरोरिक फोर्निक्स, और तुम्हारा इधर लोअर साइड में दिया है इन्फेरियर लैक्रिमिनल पंक्टम, फिर दिया है इनक्रेनियल क्रेनियो कैनिकुलाई। ठीक, तब देखो अगला तुम्हारी हेडिंग है प्री यूरिकुलर लिम्फ नोड, और ये है सब मैंडुलर लिम्फ नोड। इसको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर कर दे रहा हूँ। एपिथेलियम के यहाँ 4 लेयर होते हैं, पहला लेयर है एपिथेलियम, दूसरा लेयर है एक्वस लेयर, तीसरा लेयर है फाइब्रस लेयर, और इसके मतलब पीस पार्ट में ये है रोटेटिंग पॉइंट होने दो, तब बता रहे हूँ। देखो ये है तुम्हारा सुपेरियर फोर्निक्स, ये है अपर टार्सल कंजक्टाइवा, ये है बल्बर कंजक्टाइवा, और इधर है मार्जिनल कंजक्टाइवा, और इधर है लोअर टार्सल कंजक्टाइवा, इधर है इन्फेरोरिक फोर्निक्स, और इधर है कॉर्नियल एपिथेलियम नॉट ड्राइंग। अब देखो ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंजक्टाइवा शोइंग 3 लेयर अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियम सेल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंजक्टाइवा।